गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि टॉपिक है ट्रैवर्सल इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना पड़ेगा, वो है पहले तो ये देख लेते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्स होता कैसे है स्टैक का यूज करके। ठीक है, तो उसके लिए कोड होता है वाइज इन ट्रेवर्स और एक पी देते हैं। पी में नॉर्मली क्या होता है हेड, ठीक है, हेड या यहां पर रूट कह सकते हैं। ठीक है, जो रूट नोड होगी उसका एड्रेस होगा, तो मतलब पी में एड्रेस ऑफ 25 होगा। ठीक है, जब इसे लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर यहाँ 25 होगा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस तो ये 17 होगा, राइट चाइल्ड का एड्रेस तो ये 83 होगा। ठीक है, इस तरह से ही सारी नोड्स होंगी। ठीक है, बस इसने डेटा दिखाया है लेकिन हर नोड का ये टाइप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या पी नल है। जब पी नल है, क्योंकि इसका इन ऑर्डर का फॉर्मूला होता है LLDR, ठीक, मतलब लेफ्ट जाओ फिर उसको लिख विजिट करो और फिर राइट जाओ। ठीक है, तो इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल तो रिकर्सिवली ट्रेवर्स करेंगे इन ट्रेवर्स, फिर कॉल करेंगे पी की जगह पी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एल जाएगा, उसके बाद प्रिंट करा देंगे और उसके बाद राइट चाइल्ड जाएगा, तो LDR है, तो इसी तरह ट्रेवर्स करेगा। अब देखते हैं होता कैसे है इस वाले में इम्प्लीमेंट करके। तो सबसे पहले में है पी में 25 का एड्रेस है, 25th मुझे ये वाली नोड है पहली। ठीक है, तो क्या पी नल है क्या, यहां पर ऐसे कर लेते हैं एड्रेस ऑफ 25। ठीक है, मतलब पहली वाली नोड है, तो पी क्या नल है, पी नल नहीं है। नल नहीं है तो तीन चीज होंगी, कौन कौन सी, पहला फिर से वही फंक्शन कॉल होगा कि इन ट्रेवर्स कितना इसका लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड कौन है एड्रेस ऑफ 17, देखो लेफ्ट चाइल्ड कौन है एड्रेस ऑफ 17, तो इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्स करो। फिर दूसरा है पी डेटा को प्रिंट कराओ, पी डेटा बोले तो 25 प्रिंट हो जाएगा, 25 को प्रिंट कराओ। थर्ड क्या है, फिर से इन ऑर्डर ट्रेवर्स करो पी आर चाइल्ड, आर चाइल्ड कौन सा एड्रेस ऑफ 83, तो ये चलेगा इन ऑर्डर एड्रेस ऑफ 83। ठीक है, अब जब फिर से ये कॉल होगा, ये कॉल हुआ था इन ऑर्डर एड्रेस ऑफ 25 पे। ठीक है, अब जब फिर से ये कॉल होगा तो अब पी का वैल्यू हो जाएगा एड्रेस ऑफ 17। ठीक है, एड्रेस ऑफ 17 फिर से कॉल होगा, इसको बगल में लिख लेते हैं कहीं पर, पी में अब आएगा एड्रेस ऑफ 17। अब फिर से कॉल होगा यही, तो क्या पी नल है, नहीं है, तो फिर क्या करो, पी का लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवर्स करो, डेटा ट्रेवर्स करो, राइट चाइल्ड ट्रेवर्स करो, तो ये वाली जो नोड होगी 17 की वो किस तरह होगी, 17 लेफ्ट चाइल्ड 8 राइट चाइल्ड क्या होगा नल। ठीक है, तो फिर से ट्रेवर्स होगा तीन चीजें, मतलब फिर से रिकर्सिवली कॉल होंगी। पहला होगा कौन सा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एड्रेस ऑफ 8, दूसरा होगा प्रिंट करो 17 को, थर्ड होगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल नल। ठीक, ये होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर 8 पे आए मान के चलो, या चाहो तो इसको वो कर लो, चलो पहले 8 से देख लेते हैं, सारे के सारे इसी तरह चलेगा क्योंकि इसके लिए भी कॉल होगा। 83 के लिए जब कॉल होगा तब क्या होगा, इस वाली नोड पे आएंगे, इसमें देखो 83 होगा, एड्रेस ऑफ 34 होगा, एड्रेस ऑफ 90 होगा, तो ये चलेगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एड्रेस ऑफ 34, प्रिंट कराओ 83 को और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एड्रेस ऑफ 90, इस तरह चलेगा। ठीक, अब इसको देखेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एड्रेस ऑफ 8, तो इसमें देखो इसमें भी 8 है, एड्रेस ऑफ 5 है और इधर नल है। ठीक, तो ये फिर से तीन चीज बनेगी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एड्रेस ऑफ 5, प्रिंट कराओ 8 को और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल नल। ठीक, अब 34 को देखते हैं, अगर तो 34 में भी लेफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, नल होगा, राइट में एड्रेस ऑफ 47 होगा, तो ये इस तरह चलेगा, इन ऑर्डर नल, प्रिंट कराओ 34 को और इन ऑर्डर
एड्रेस ऑफ 47। ठीक, जब ये चलेगा, हाँ ये जो नल वाला है, जब ये कॉल होगा इन ऑर्डर नल, तो इन ऑर्डर नल में क्या होता है, पी इज नॉट इक्वल टू नल के लिए ये चलेगा, नल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये नल ही रहेगा। ठीक है, जब 90 पे चलेगा तो 90 पे अभी लेफ्ट कोई नहीं है, तो इन ऑर्डर नल लेफ्ट के लिए प्रिंट कराओ 90, और इन ऑर्डर राइट कौन है 93, एड्रेस ऑफ 93, इस तरह चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद 8 के लिए देखेंगे, तो 8 हो गया, अब ये एड्रेस ऑफ 5 के लिए चल रहा है ना, एड्रेस ऑफ 5 के लिए देखेंगे तो देखो यहाँ पर ना लेफ्ट नल है और राइट भी नल है, तो देखो यहाँ लेफ्ट भी नल होगा, तो ये इन ऑर्डर नल के लिए प्रिंट कराओ 5 को, और इन ऑर्डर ये भी नल के लिए, ये नल चलेगा नहीं, ये नल नहीं चलेगा, ये 47 चलेगा, तो 47 में देखो क्या क्या है, लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो इन ऑर्डर नल प्रिंट कराओ 47 इन ऑर्डर नल। ठीक है, ये भी नल के लिए है, 93 वाला 33 देखो राइट और लेफ्ट दोनों नल है, नल प्रिंट कराओ 93 को, ये पूरा ट्री बन के आएगा, इसको कहते हैं रिकर्सिव रिकर्जन ट्री इस वाले के लिए। ठीक है, अब जब इसको प्रोसेस होगा, ठीक है, तो प्रोसेस करने का तरीका मैंने बताया था, कैसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट मोस्ट पे आएंगे, लेफ्ट मोस्ट पे आएंगे, जब लेफ्ट मोस्ट खत्म हो जाएगा तो लेफ्ट टू राइट, सॉरी बॉटम लेफ्ट पे आ गए, अब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जब यहां से चलेंगे तो जो स्टैक होगा, स्टैक में इस तरह एंट्री हो जाएगी इन 25 एड्रेस ऑफ 25, फिर ये आएगा इन एड्रेस ऑफ 17, फिर ये आएगा इन एड्रेस ऑफ 8, फिर आएगा इन एड्रेस ऑफ 5। ठीक है, इसके बाद नल आएगा, ठीक, तो नल जाएगा नहीं, नल, ठीक है, क्योंकि इन नल भी जाएगा वैसे तो, जब नल जाएगा तो देखो इस पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो जब ये सेकेंड टाइम विजिट करेगा तो ये आउट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, फिर मिलेगा प्रिंट 5, तो 5 प्रिंट कर देगा, फिर पहली बार मिलेगा इन नल, तो फिर से एक इन ऑर्डर नल फंक्शन कॉल होगा। ठीक, फिर जब ये दूसरी बार जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा तो ये यहाँ वापस पहुंचा, वापस पहुंचा तो इन एड्रेस ऑफ 5 दोबारा मिला, पॉप हो गया। ठीक है, फिर मिला इसे प्रिंट 8, तो 8 प्रिंट कर देगा, फिर इसे इन नल दोबारा मिला, तो इस बार कहाँ जाएगा, ये वाला ही खाली है तो ये जाएगा इन नल। ठीक है, तो जब ये नल दोबारा मिला तो ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से बैक ट्रैक होके इसके पास पहुंचेगा, फिर इसको दोबारा इन 8 मिला तो ये भी पॉप हो गया, फिर इसे मिला प्रिंट 17, तो ये 17 प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर इसे इन नल फिर मिला, इस बार ये जाएगी फंक्शन कॉल, यहां सेकेंड टाइम मिला तो ये पॉफ हो गया, ये अब इसे इन 17 दोबारा मिला, ये भी पॉप हो गया, फिर इसे मिला प्रिंट 25 प्रिंट कर देगा, फिर इसे मिला इन 83 एड, तो ये 83 इस बार यहां जाएगा क्योंकि यही खाली है, फिर इसे मिला इन 34, तो इस बार इन 34 किस में जाएगा, इस वाले में। ठीक है, इन एड्रेस ऑफ 34 सही से लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इन एड्रेस ऑफ 34 पहली बार मिला तो स्टैक में आ गया,
अब मिला इसे इन नल, इन नल सेकेंड टाइम मिला तो ये पॉप हो जाएगा। फिर मिला इसे प्रिंट 34, 34 प्रिंट कर देगा। फिर इसे मिला इन 47, तो इन एड्रेस ऑफ 47, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आया, लेफ्ट साइड में नीचे आया सबसे लेफ्ट में, फिर मिला इसे इन नल, तो इस बार इन नल जाएगा यहां। फिर इन नल पॉप हुआ, पॉप हो गया। फिर इसे मिला प्रिंट 47, 47 प्रिंट कर दिया। फिर मिला इसे पहली बार इन 90s इन नल, तो यहां इन नल इंसर्ट हो गया। फिर आगे इसे फिर इन नल मिला सेकंड टाइम, तो ये पॉप हो गया। फिर ऊपर गया तो सेकंड टाइम इन 47 मिला, तो ये भी पॉप हो गया। फिर और ऊपर गया, इन 34 मिला, ये भी पॉप हो गया। फिर इसे मिला प्रिंट 83, 83 प्रिंट कर दिया। फिर मिलेगा इन 90 पहली बार, तो ये इन एड्रेस 90 पुश हो गया। फिर इसे मिला इन नल, तो जब इन नल मिलेगा तो फिर कहां जाएगा, इसके ऊपर ये वाला ही खाली है, इन नल, ठीक। फिर सेकंड टाइम इन नल मिलेगा तो ये पॉप हो जाएगा। फिर इसे मिला प्रिंट 90, तो 90 प्रिंट कर देगा। फिर इसे फर्स्ट टाइम मिला इन एड्रेस 93, तो ये इन एड्रेस 93। फिर ये नीचे आया, फिर इसे इन नल मिला, इन नल मतलब इन ऑर्डर नल के साथ। फिर इसे मिला प्रिंट 93, 93 प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा उसे फिर एक और इन नल, सॉरी यहाँ इन नल सेकेंड टाइम मिला था तो पॉप हो जाएगा। फिर प्रिंट 93 मिलेगा। फिर फर्स्ट टाइम मिलेगा इन नल, तो फिर इन नल मिला, यहाँ जाएगा सेकेंड टाइम इन नल मिलेगा तो ये पॉप हो जाएगा। फिर ये सेकेंड टाइम 93 मिला, ये भी पॉप हो गया। फिर और ऊपर गया तो सेकेंड टाइम इन एड्रेस 90 मिला, ये भी पॉप हो गया। फिर और ऊपर गया तो इन एड्रेस 83 मिला, ये भी पॉप हो गया। फिर गया तो सेकेंड टाइम इन एड्रेस 25 मिला, तो ये भी पॉप हो गया। तो देखो एक स्टैक जिसका साइज 5 था, मेंटेन करना पड़ा, ये सब फंक्शंस कॉल इसमें रिकर्सिवली कॉल हुई है, ठीक है। और ये लास्ट में जो प्रिंट होके आया है, ये आया है अपना इन ऑर्डर इस बाइनरी ट्री के लिए, और चेक कर सकते हैं ये सही है जो हमने पहले ऊपर निकाला था, यहाँ लिखा हुआ था सेम वही आया है, ठीक है। अब चूंकि ये बाइनरी सर्च ट्री था, हमने स्टार्टिंग में ही बाइनरी सर्च ट्री लिया था, इसलिए ये सॉर्टेड फॉर्म में है, इसलिए सही है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया रिकर्सिवली कॉल करके किस तरह से किसी बाइनरी ट्री का एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, देखो अब इसमें क्या है, रिकर्सिवली कॉल करना पड़ रहा है। अब हम चाहते हैं कि रिकर्सिवली कॉल नहीं करना पड़े, यानी कि बैक ट्रैक नहीं करना पड़े, ठीक है। तो बैक ट्रैक भी नहीं करना पड़े और बार बार ये जो स्टैक बन के रिकर्सिवली कॉल हो रहा है ये नहीं करना पड़े, ठीक। तो इसके लिए थ्रेडेड बाइनरी ट्री यूज करते हैं। तो किस तरह से हम उसमें ट्रैवर्सल करते हैं जिससे कि हमें रिकर्सिवली कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, देखते हैं। थैंक यू।